अब मैं इतना ही अदब के साथ गुजारिश करूँगा मोहतरम प्रोफेसर इत्तेज़ाकरीम साहब से कि वो तशरीफ लाएँ। वहाँ डॉक्टर विमला जी, जाहिर सी बात है कि इस स्टेज पर और इसके वहाँ बॉटनी डिपार्टमेंट में भी फंक्शन हुआ था, आपने था तो हम लोगों ने कई बार इस पे इस मंच को शेयर किया हुआ है और आज खुशी हुई कि आप पर यह बुरा वक्त भी आ गया कि आप प्रो वाइस चांसलर हो गई। पता नहीं कब चार्ज लिया, 6 महीने। हाँ तो कोई बुरा, तो मैं बुरा वक्त इसलिए कह रहा हूँ कि आजकल एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होता है उसको वही जानता है। मैं यूँ कहता हूँ कि कब्र का हाल मुर्दा ही जानता है। बाहर वालों को लगता है कि साहब ये तो प्रो वाइस चांसलर और वाइस चांसलर पता नहीं क्या क्या है, लेकिन वहाँ जो अजाब होता है कि किन चीज़ों का नमाज पढ़ी कि नहीं पढ़ी, रोज़ा रखा कि नहीं रखा, सबका हिसाब देना पड़ता है। तो बहरहाल फिर भी आपको बहुत बहुत मुबारक हो और मुझे आशा है, ऐसी उम्मीद है कि जब जब किसी इदारे की, इंस्टीट्यूट की, यूनिवर्सिटी की, किसी संस्था की जिम्मेदारी किसी औरत के हाथ में आती है तो फिर वो संस्था बहुत तरक्की करती है, ऐसी मुझे उम्मीद। इसके लिए मुबारकबाद। और फिर मैं एक तरह का आभार प्रकट करता हूँ उर्दू में और शुक्रिया अदा करता हूँ हिंदी में असलम जमशेदपुरी साहब का कि पता नहीं इनको कौन सी तहरीर या कौन सी अदा पसंद आई कि इस अवार्ड के लिए मुझे इन्होंने मुंतखब किया है। लेकिन असलम साहब के रुसवा करने का अपना एक अंदाज है, जब वो रुसवा करते हैं तो भरी महफिल में बड़े सलीके से करते हैं। अभी आपने सुना कि शादाब साहबा ने ऐसी तहरीर पढ़ी कि मैं भी सोचता रहा कि साहब देखिए कहाँ कहाँ से इन्होंने अल्फाज लाए और ये सब कुछ है। मैं बराह रास्त शुरू हो गया, मैंने ना तो दीपक गुत्ती साहब को मुखातिब किया, न उनका नाम लिया, न ज़की तारिक साहब को आवाज़ दी, न सामने बैठे हुए लोगों से कहा कि आप फलां साहब बैठे हैं, फलां साहब बैठे हैं। लेकिन सवाल ये होता है कि यहाँ मैं किसका नाम पुकारूँ और किसका नाम न लूँ, यहाँ तो जो है वो अपनी जगह ही आला है और अरफा है। और तो ये सब मोहतरम है, चाहे वो ई कदर हो या आ कदर हो, सब मोहतरम है। और एक ऐसी महफिल जिसमें दीपक भी रोशन हो और खुर्शीद भी हो मौजूद, ऐसी महफिल को मेराज क्यों ना नसीब हो। और ऐसी महफिल में जहाँ ऐसे सामईन मोतबर, जो सामईन हमारे वो बैठे हुए स्टूडेंट्स बैठे हैं, इनके सामने इजहार ख्याल किया भी जाए तो क्या किया जाए। फिर एक ऐसे मौके पर जब आप उसमें ख़ुद इन्वॉल्व हों, शामिल हों, कि आपको किसी तौर इनाम दिया गया हो, तो उसमें ज़रा सा कुछ ज़्यादा बोलना जो है मुनासिब भी नहीं होगा, सिवाय इसके कि देखते देखते वक्त यूँ गुज़र गया ऐसे लगता है कि 17 साल नहीं 17 दिन बीते हैं। और बाज़ दफ़ा कुछ बातें हम ऐसी करते हैं, दुश्मनी में कर जाते हैं, इंतकाम लेने की गर्ज़ से करते हैं, लेकिन वो फ़ायदा मंद हो जाती है। दिल्ली वालों ने बड़े सोच समझ कर बहुत इंतकामान ढेला जाए, कहाँ ढेला जाए, कहाँ दूर कैसे कर दिया जाए दिल्ली से। बड़ी साजिशें हुई, बड़ी मीटिंगें हुई कि साहब इनको दूर कैसे किया जाए, जो बड़ा सहाफ़ी भी है रहे ना ये, और बहुत बेबाक रहे और बड़े तो भिड़ जाना, और वरना उस वक्त तो बड़े लोगों ने तय किया कि साहब इनको क्या किया जाए, कैसे ठिकाना लगाया जाए। तो ये इनको ये जगह मिली साहब, जो चौधरी चरण यूनिवर्सिटी में डाल दो। मिले रोज़े अव्वल से पहले दिन से जो सिलसिला शुरू किया है, और ये इसलिए नहीं कि इन्होंने मुझे अवार्ड दिया है, या इसलिए नहीं कि ये मुझे, ये मेरे दोस्त हैं, मेरे
लेकिन ये मतलब एक ऐसा रोशन है, ऐसी हकीकत कि कोई भी इनका बदतरीन दुश्मन भी जो है वो यही कहेगा कि साहब इस वक्त जो मंजरनामा है, जैसा कि आपने भी कहा पाक सर, कि इस वक्त जो मंजरनामा है उर्दू अदब का, हिंदुस्तान में मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियाँ हैं जहाँ शोबे उर्दू हैं काम, वहाँ सूरत हाल ये नहीं है जो आपके यहाँ है। लड़के भिड़के इतने लेक्चर्स लाते हैं, इतने प्रोग्राम करते हैं, कोई ना कोई सिलसिला तो यहाँ आपके इस शोबे उर्दू में जारी और सारी रहता है, और सिर्फ उसकी वजह यह है कि असलम जमशेद पूरी साहब यहाँ सदर शोबे उर्दू हैं, प्रोफेसर भी हो गए, अब अच्छा हुआ ये। अब तसव्वुर फरमाइए कि वहाँ करीम सिटी कॉलेज में भी वो रहे, मेरी मुलाकात भी उनसे रही, एक डिबेट कंपटीशन था हमारे तालिब इल्मी के ज़माने में, वो उसके जज भी हुआ करते थे, उन्होंने पहला इनाम भी दिया था उस ज़माने में, दोनों अवार्ड हमें लोगों को मिला था, पहला इनाम वो भी और वो भी दोनों। मंजर काजमी के नाम से अवार्ड अनाउंस करना या फिर उसको साथ लेकर के चलना, कहाँ क्या ज़रूरत है? अब ये नई दुनिया बसाते, नया खाता खोलते, ऐसे लोगों को तलाश करते जिनसे इनको चार पैसे का फ़ायदा होता, मनसब का फ़ायदा होता, लेकिन एक इंसान जो होता है अंदर से, जिसके अंदर इस्तकामत है, वफादारी है, वफाशारी है, दोस्ती को निभाने का जो एक सलीका है, वो असलम जमशेद पूरी साहब से सीखने का एक हौसला और हुनर भी चाहिए। मैं तो, मेरे अंदर तो है नहीं, मैं तो दुश्मन बनाने में बहुत माहिर हूँ, लेकिन ये एक वफादारी है कि वहाँ मंजर काजमी साहब को वहाँ से लेकर यहाँ तक लाना और फिर हर साल उनके नाम से अवार्ड अनाउंस करना, ये और भी दूसरे मामलात हैं जो जिससे लगता है कि ये आदमी वफादार है और जिसके साथ रिश्ता जोड़ता है उसको निभाने की भी पूरी कोशिश करता है। इस एतबार से भी मैं असलम जमशेद पूरी को मुबारकबाद देता हूँ कि वो शोबे को बेहतर से बेहतर बना रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि इस वक्त, चूँकि वो प्रो वाइस चांसलर हैं, तो मेरी अपनी एक आदत है कि मालिक को जब देख देता हूँ तो मालिक से कुछ मांगने की कोशिश करता हूँ। बहरहाल वो मालिक हैं, बल्कि मालकन है इस वक्त तो, और मालकन तो कुछ भी दे सकती है, कोई दिक्कत उसको नहीं, मालिक तो फिर भी संकोच में रहता है कि आप इस शोबे को दो तीन परमानेंट फैकल्टी दे दीजिए, लेक्चरर दे दीजिए, ताकि ये बेचारे, आपको मालूम है कई जगह जा सकते हैं, ये कई जगह इनका अपॉइंटमेंट है, और मैं वो शायद पहला शख्स हूँ जो मैं इनको कहता हूँ बिल्कुल कहीं नहीं जाने देंगे। पूछ लीजिए आप, क्या अगर तुम यहाँ से चले गए असलम तो ये शोभा बर्बाद हो जाएगा। मैं कहता हूँ इनसे कि तुम अगर चले जाओगे ये शोभा बर्बाद हो जाएगा, कई बार कह चुका हूँ, ये सामने बैठे हुए, मैंने कहा भाई यहाँ आप जिस तरह गुण खिला रहे हैं, जो चीज़ें आ रही हैं सामने, जिस तरह आप तरक्की दे रहे हैं उर्दू अदब को, ज़बान को, और आप कोई भी फंक्शन देखिए इसमें हिंदी उर्दू का तालमेल बड़ा रखते हैं। ये नहीं कह रहा अलग अपना डेढ़ ईंट की मस्जिद बनाई और अपने अ नहीं, किसी न किसी तरीके से अपने अहबाब को, यूनिवर्सिटी के लोगों को जोड़ के रखते हैं। आज ये जो सूरत हाल है वो इसीलिए है कि जो काम ये चाहते हैं यूनिवर्सिटी में हो जाता है, हम लोग भी आते हैं, हम लोग भी देखते हैं साहब किस तरह काम हो रहा है। तो इस एतबार से मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ, और जो बात आपसे मैं कह सकता था वो यही कि इनके हाथ थोड़े से मजबूत कर दीजिए, ताकि हालांकि जानती हैं ख़तरा क्या होता है कि जब तक अकेला प्रोफेसर होता है ना उर्दू में तो ठीक चलता है डिपार्टमेंट, जहाँ दो तीन आ गए वहाँ फिर होते वो उर्दू हो जाता है, फिर अलिफ अलग, रे अलग, दाल अलग, वो अलग। लेकिन खैर इनकी जो तरबियत है, ये जिस तरह से काम करते हैं, देखिए ना, अब इरशाद सियानवी है हमारा PhD का स्टूडेंट है, ऐसे कितने स्टूडेंट्स को इन्होंने तरबियत की है, बैठ कर सिखाना, पढ़ाना, उसको उर्दू की तरफ लाना, ये बड़ा काम है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि हम लोग तालिब इल्मों से जिस तरह का बिहेव कर रहे हैं, सलूक कर रहे हैं, उन तालिब इल्म थोड़ा सा भाग रहे हैं हमारी ज़बान की तरफ से, और ये तो इनका जो रवैया है हम लोगों को इसकी कोशिश करनी चाहिए। हमारे उस्ताद थे जिसका जिक्र आया है आपके भी इसमें, कि भाई भाई खुर्शीद हया साहब, कलाम हैदरी साहब का जिक्र आया, और
उनका क्या नाम है, कमर रईस साहब का, हसनैन साहब का, लेकिन एक उस्ताद जिनसे हम लोगों ने सब बहुत, गनी हैदर जकरिया, वो एक कॉलेज में लेक्चरर थे, पता नहीं प्रोफेसर भी शायद हुए या नहीं हुए, बेतहाशा बासलाहियत, बेतहाशा बासलाहियत आदमी एकदम, एक्सटेम्पोर आप जो चाहे उनसे बोल लीजिए, ये कर लीजिए। हमने गालियाँ उन्हीं से सीखी हैं, मतलब बाकी लोगों को तौफीक हुई नहीं मतलब, लेकिन हाँ वो बहुत अच्छी गालियाँ बकते थे, मतलब आप बोलो ना, हाँ बोलो ना, है ना, हाँ बहुत सलीके से, मतलब आप उस, अच्छा वो गालिब ने जो कहा ना कि गालियाँ खा के बेमना मजा ना हुआ, तो वो वैसी वाली गालियाँ। बाकी तो कमर रईस साहब तो गजवाद आप जानते हैं, वो तो एक वजादार आदमी और ये वो, लेकिन ये कि हम लोगों ने एक उस्ताद हमारा वो भी था जिसका नाम गनी हैदर, बहुत बासलाहियत, और उन्होंने भी हम लोगों की बड़ी परवरिश की है, बड़ी तरबियत दी हम लोगों को, हम लोग नहीं, उसकी नौबत नहीं आएगी, उसकी नौबत नहीं आएगी, मैं जा रहा हूँ। नहीं नहीं मैं जा रहा हूँ फिर तो मैं खुर्शीद याद की, जैसे मुझे याद आया कि ये तो हमारे छोटे भाई की तरह है, और ये ज़माने में ये तो, ये अब पता नहीं ये कहानियों का इसका क्या हाल है, जदीद तर कहानियाँ जो हो रही थी उस वक्त है ना, जिसमें आदमी परेशान था कि कहानी है क्या, कहानी में कुछ कहा भी गया है कि नहीं कहा गया है, तो उसमें और तजरीदियत पैदा कर देते थे गनी हैदर साहब बड़े इससे। तो याद आ गई इस वक्त चीज़ें, चूँकि बहरहाल जो फैज़ हमें आज हम लोग जहाँ भी हैं वो अपने उस्तादों की वजह से ही, अपने जो करम है, और जो हमारे तालिब इल्म हैं उस बात का ख्याल रखें कि बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब, अपने वालदैन की भी इज़्ज़त कीजिए, एहतराम कीजिए, और अपने उस्तादों की भी इज़्ज़त कीजिए, इसी से आपका दर्जा बुलंद होगा। वरना आप देखते हैं ना क्लासरूम में 100 बच्चे होते हैं, 100 में 4-5 ही आगे बढ़ जाता है, बाकी पीछे रह जाते हैं। तो आप अपने अदब की तरफ संजीदा रहिए, अपने उस्ताद की खिदमत कीजिए, उनकी इज़्ज़त कीजिए, उनसे मोहब्बत कीजिए, सच्ची मोहब्बत, तो इंशाअल्लाह रहमान इस ज़बान में भी और इस मैदान में भी, जिसको हम लोग बहुत हकीर मानते हैं उर्दू, इसमें भी बहुत से दर्जात हैं जिस तक आप पहुँच सकते हैं। बहुत बहुत